फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चने की दाल की बर्फी की बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल की बर्फी बनाने के लिए हमने 50 ग्राम दाल को पानी में 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब 3 घंटे होने के बाद पानी हमने इसका स्ट्रेन कर दिया है और इसको मैंने एक सूती कपड़े में फैलाकर रख दिया था ताकि सारा पानी इसका सूख जाए और दाल हमारी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम बनाना शुरू करते हैं चने की दाल की बर्फी को। पैन चढ़ा दिया है हमने। अब हम यहाँ 3 टीस्पून घी डालेंगे। आप घी की जगह डालडा घी भी ले सकते हैं। हो गया है। अब यहाँ हम दाल को डाल देंगे और दाल को हमें हल्का हल्का इसी तरह चलाते हुए अच्छे से कलर चेंज होने तक हम इसे इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। तो हमने मीडियम टू हाई रखा है और इस तरह हम हल्का हल्के हाथों से इसी तरह चलाते हुए हम इसे कुक करते रहेंगे। कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। दाल को हमने ठंडा होने के लिए निकाल लिया है। अब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे दरदरा सा। दाल को हमने ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसी तरह से इसको दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। इनमें घी, हमारे जो चने की दाल को हमने फ्राई करा था उसमें जो बाकी घी रह गया है, हम इसी में ही ग्राइंड करी हुई चने की दाल को 2 मिनट और अच्छे से कुक करेंगे। अच्छे से चलाएंगे हम और इसमें मुझे घी कुछ कम लग रहा है तो 2 टेबल स्पून और मैं इसमें घी और थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसे भूनते हुए हमने यहाँ 5 इलायचियों को मोटे मोटे टुकड़ों में कर लिया है। हम इसे भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने चने की दाल को अच्छे से भून लिया है। कलर भी अच्छा इसका आ गया है। अब हमें इसमें चीनी डाल देना है। चीनी हम 50 ग्राम डालेंगे। हमने दाल को 50 ग्राम लिया था, हम सेम क्वांटिटी में ही चीनी को भी लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हमने यहाँ 1 कप दूध लिया है भर के। हम इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हम फ्लेम को हमने हाई रखा है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। हमारी 50 ग्राम थी, हमने दूध को 100 ग्राम लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को हाई करते हुए। और साथ ही में यहाँ हमने मिल्क पाउडर लिया है 2 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे। इससे काफ़ी फ्लेवर इन्हेंस करेगा इसका। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप मिल्क पाउडर को ज़रूर डाल लें। बर्फी हमारी ठीक होने लगी है। इसी तरह हम चलाते जाएंगे। ये तो बर्फ़ी बनाने के काफ़ी तरीके हैं। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये ठीक हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी बर्फ़ी को सेट करने के हिसाब से हो चुकी है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। गैस ऑफ कर देंगे हम। एक बर्तन में ग्रीस करके रख लिया है। हम इसमें बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी बर्फ़ी बनके तैयार भी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कुछ बादाम हैं और यहाँ कुछ मैंने पिस्ते लिए हैं। ये भी हम इसमें सेट कर देंगे। जैसे हमने बर्फ़ी को सेट कर लिया है, इसे बर्फ़ी के शेप में काट लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट होने के बाद बर्फ़ी इसकी हम निकाल लेंगे एक एक करके। शेप में हमने सारे पीसेस काट लिए हैं। अब हम इसको सेट, बर्फी बनकर तैयार है। हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ये बहुत ही सॉफ्ट बर्फी बनी है, आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बर्फी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरे चने की दाल की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी।